नमस्कार, आप देख रहे हैं फिल्मी बीट। अनिल कपूर बहुत टेंशन में है आजकल। अब आप सोच रहे होंगे कि आखिर बेटी की तो शादी कर दी, अब किस बात की चिंता। तो जनाब, अब लगता है अनिल को बेटी के करियर की चिंता हो गई है। कैसे? तो जी ऐसे कि सुना है कि अनिल बॉक्स ऑफिस पर सोनम और हर्षवर्धन कपूर की भिड़ंत पर टेंशन में है। अब भाई बहनों की टक्कर में पापा को तो चिंता होगी। दरअसल बॉलीवुड स्टार सोनम कपूर और हर्षवर्धन कपूर की फिल्में बॉक्स ऑफिस पर टकराने वाली हैं। दोनों एक्टर भाई बहनों की फिल्में एक ही तारीख पर रिलीज हो रही हैं। सोनम कपूर की फिल्म वीरे दी वेडिंग 1 जून को रिलीज हो रही है, तो वहीं हर्षवर्धन कपूर की फिल्म भावेश जोशी सुपरहीरो 25 जून को रिलीज होने जा रही थी, लेकिन मेकर्स ने इसकी रिलीज डेट बदल दी और अब ये भी 1 जून को ही रिलीज हो जाएगी। इस पर पापा अनिल का कहना है कि मुझे थोड़ी चिंता हो रही है। एक इंटरव्यू में अनिल का कहना है कि ये फैसले संबंधित स्टूडियोज और डिस्ट्रीब्यूटर्स द्वारा किए जाते हैं और वो इसका सम्मान करते हैं। उनका कहना है कि पूरे फिल्मी करियर में उन्होंने ये कभी नहीं कहा कि इस दिन रिलीज करो, उस दिन रिलीज करो, और ये भी कहा कि मैं हर्ष की रिलीज डेट के बारे में कुछ कहने की स्थिति में नहीं हूँ। आपको बता दें कि वीरे दी वेडिंग अनिल के होम प्रोडक्शन की फिल्म है, लेकिन वो रेहा कपूर के फैसले में दखल नहीं देना चाहते। अनिल की मां ने तो वीरे दी वेडिंग की रिलीज डेट के बारे में फैसला एकता कपूर और रेहा कपूर द्वारा लिया गया है। एक फादर होने के नाते उन्हें अपने बच्चों की चिंता हो रही है। आपको याद होगा ही अभी सोनम के रिसेप्शन पर अनिल कितने एक्साइटेड नजर आ रहे थे और अर्जुन के साथ कितनी मस्ती भरा डांस कर रहे थे। आपको बता दें कि अनिल कपूर भी फॉर्म में दिखेंगे रेस 3 में। जी हाँ, वो जल्द ही फिल्म रेस 3 में नजर आएंगे। फिल्म का ट्रेलर हाल ही में रिलीज किया गया और यूट्यूब पर इसे काफी अच्छा रिस्पॉन्स मिला है और उसमें अनिल का लुक सभी को बेहद पसंद आ रहा है। तो भाई, पापा को बच्चों की चिंता होना लाजमी है। जब कर उन्हीं के दोनों बच्चों का आपस में हो तो फिर चिंता होना लाजमी है। इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। नेक्स्ट अपडेट के लिए देखते रहें फिल्मी बीट।